हेलो डियर किड्स, नाउ टुडे वी विल लिसन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सोहम्स बॉल। यस, लुक, लिसन एंड रीड अलाउड विथ मी। लुक स्टूडेंट, दिस इज सोहम एंड दिस इज सोहम्स बॉल। सोहम एंड सैम आर प्लेइंग फुटबॉल। सैम किक द बॉल, इट गोज इनटू मिस्टर मानेस गार्डन। देखो प्यारे बच्चों, सोहम और सैम दोनों फुटबॉल खेल रहे थे। सैम ने जब किक मारा तो बॉल सीधा कहाँ चला गया? मिस्टर माने के गार्डन में। सैम आस्क्स फॉर द बॉल। एक्सक्यूज मी, मे आई हैव द बॉल प्लीज। सैम ने जाकर किस तरह से कहा, देखो बच्चों, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, क्या मैं अपना बॉल ले सकता हूँ? श्योर, हियर इट इज। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, ये देखो यहाँ है। आफ्टर सम टाइम अगेन द बॉल गोज इन टू मिस्टर माने'स गार्डन। नाउ सोहम आस्क्स फॉर द बॉल। पहले सैम गया था बॉल लाने के लिए, अब कौन जा रहा है? सोहम जा रहा है थोड़ी देर के बाद, सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, अगेन यानी फिर से। बॉल कहाँ चला गया? मिस्टर माने के गार्डन में। अब कौन गया है बॉल लाने के लिए? सोहम गया है। सोहम बॉल किस तरह से लेता है, देखो, गिव मी द बॉल। सोहम ने जाकर मिस्टर माने से क्या कहा? गिव मी द बॉल, मुझे बॉल दीजिए। नो आई वॉन्ट, सैड मिस्टर माने। मिस्टर माने ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। Why does Mr. Mane say no? Mr. Mane ने no क्यों कहा होगा प्यारे बच्चों? How is Soham feeling? Soham को कैसा feel हुआ होगा? How is Mr. Mane feeling? और Mr. Mane को कैसा feel हुआ होगा कि Soham ने उनसे बिल्कुल rudely बात किया था, जबकि Sam ने politely request करके बात किया था। चलो देखते हैं। Soham tries again, uncle May I have the ball please? So हमने आपका क्या कहा? अंकल मुझे मेरा बॉल दीजिए प्लीज। हाउ डज मिस्टर माने फील नाउ? अब मिस्टर माने को कैसा फील हुआ होगा? मिस्टर माने ने उसे, देखिए यहाँ पे, बॉल दे दिया। थैंक यू, सैड सोहम। अब सोहम ने अंकल से यानी मिस्टर माने से थैंक यू कहा और अपना बॉल लेकर आ गया। तो प्यारे बच्चों, ये मीठे बोल का जादू है, यानी हम अगर बड़े लोगों से पोलाइटली, छोटों से भी प्यार और मोहब्बत से बात करेंगे तो हमारी बात सामने वाले को जल्द समझ में आ जाएंगी। अगर सोहम पहले ही सैम की तरह रिक्वेस्ट कर माने अंकल से बॉल मांगता तो ज़रूर देते। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हमें अपनी बात में हमेशा नरमी इम्पसारी रखनी चाहिए है। देखिए यहाँ पर मैजिक वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। मैजिक वर्ड्स किसे कहते हैं मालूम है आपको? ये जादुई अल्फाज। कैन यू गिव मी अ पेंसिल? अगर हमारी क्लास में हमारे पास पेंसिल नहीं है तो हम हमारे फ्रेंड से ये कहकर पेंसिल मांग सकते हैं। कैन यू गिव मी अ पेंसिल? क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो? अगर वही हमने इस तरह से कहा कि मुझे पेंसिल दो तो कोई पेंसिल नहीं देगा, मगर वही हमने अगर प्यार से रिक्वेस्ट करके मांगे तो कोई भी हमें देगा। देखो जैसे ये बच्चा ऐसे कह रहा है, श्योर, हियर इट इज, बिल्कुल ये लीजिए, थैंक यू, वेलकम। देखो ये जादुई वर्ड है, यानी इनका यूज़ करके अगर हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी आपस में दोस्ती भी बढ़ती है और काम भी बनता है।